मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के मेक कंपनी के पास में बांध काम को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। मुस्लिम लीग पार्टी के फरहत शेख का आरोप है कि अवैध तरीके से यहां पर बांध काम किया जा रहा है और यहां पर लॉज बनाया जा रहा है, और मनपा प्रशासन को इसकी शिकायत करने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जबकि बांध काम के बारे में जानकारी देते हुए हितेश भगत ने बताया है कि अवैध नहीं है, बल्कि मनपा प्रशासन से लेटर मिला है और टेम्प्रोरी बेस पर बनाने को कहा गया है, तो ये बांध काम का काम शुरू किया गया है। साथ ही ये भी बताया कि रोड बेंडिंग के वक्त यहाँ पर गाले तोड़ दिए गए थे और अब मनपा प्रशासन ने पत्र व्यवहार जब हमने किया तो उसकी अनुमति दी गई, उसके बाद यहाँ पर काम शुरू किया गया है। मगर इस बांध काम को लेकर आज दिन भर काफ़ी घमासान मचा रहा। कार्रवाई कर तोड़ने के लिए फरहत शेख मनपा अधिकारियों पर दबाव बना रही थी और इसी दौरान पत्रकार वाहिद अंसारी बांध काम का फोटो विजुअल लेने लगे। इसी दौरान कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। एक महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी का आरोप भी यहां पर लग रहा है। हालांकि पत्रकारों के साथ इस तरह का व्यवहार करना, मारपीट करना, ये गलत है और इसकी शिकायत भी पुलिस को पत्रकारों ने कानूनी तौर पर की है। वहीं हितेश भगत ने आरोप लगाया है कि बांध काम के एवज में फरहत शेख ने उनसे 25,000 रुपये की डिमांड की थी, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट से भी की है। हालांकि बांध काम पर टीएमसी अपूर्व कमर्शियल दुकानों का बोर्ड भी यहां पर लगाया गया था, लेकिन मनपा ने कार्रवाई कर उसे उतार लिया है। वहीं फरहत शेख ने 25,000 खंडनी मांगने के आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया है। पहले सुने फरहत शेख ने इस बांध काम को लेकर क्या जानकारी दी है। फरहत, आज मेक कंपनी के पास में जो कंस्ट्रक्शन का काम चालू है उसको लेकर आप लोग मनपा से प्रशासन से मिलने के लिए गए थे कि क्या ये इलीगल तरीके से बनाया गया है, मनपा प्रशासन ने क्या कहा आप? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, दरअसल आप लोगों के ही माध्यम और कुछ हमारे लोग वहाँ पर है उसकी उनके माध्यम से ये पता चला था। सबसे पहला मसला तो ये था कि वहाँ पर पेड़ काटे जा रहे थे, तो पेड़ काट के मैंने उस वक्त बताया था कि शायद यहाँ पर इलीगल बांधकाम होगा, तो हमने पेड़ और उसके इलीगल बांधकाम के दोनों के खिलाफ जो है वो हमने कार्रवाई पत्र व्यवहार दोनों किया था। अल्हम्दुलिल्लाह पेड़ तो बच गए, पेड़ की जो है वो मतलब जो सिर्फ ट्रिमिंग हुई थी, लेकिन अब पेड़ जो है वो सेफ है, पेड़ को पेड़ के ऊपर किसी भी तरीके का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहाँ पर जो इलीगल बांधकाम था उसके ऊपर हमारा जो है वो काम चालू था। अब हुआ यूँ कि डीएमसी से हमको जो है वो लेटर आया था कि इसको जो है तोड़ना है, तो ये लेटर हमने जाकर यहाँ पर दिया, अतिक्रमण विभाग में दिया कि भाई वहाँ से लेटर आया, आप इसको तोड़िए करके। अब ये लोग जो है वो तोड़ने के लिए इसको तैयार नहीं थे, लेकिन वहाँ पर फिर अचानक से जब वहाँ पर हमारे कुछ लोग हैं मैक कंपनी में, उनसे ये पता चल रहा है कि वहाँ पर लॉज बन रहा है, जो सबसे ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त था, क्योंकि ऑलरेडी हमारे मुमरा में इतनी गलत चीज़ें, बच्चे हमारे नशे में मुलव्वस है, हमारे पर एजुकेशन का कोई ठिकाना नहीं है, बच्चे अनएम्प्लॉयड है, ये सारी चीज़ें क्या कम थी हमारे मुमरा को डिग्रेड करने के लिए? जो एक और चीज़ जो है वो हमारे यहाँ पर आपने चालू कर दिया, तो इसकी हमारे लिए जो है ना वो सख्त मुखालिफत थी। आज हमारी मीटिंग जो इसी मामले में थी कि जब आपको तोड़ने का ऑर्डर मिल चुका था तो आपने उसको तोड़ा क्यों नहीं, जब आपको तोड़ना था तो तोड़ा क्यों नहीं, तो फिर कुछ और भी चीज़ें हुई जिसमें लोगों मतलब ये बताया गया कि भाई इनकी कोई अच्छी फ्रेंडशिप है इनके बिल्डरों से, जो ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो बिल्डरों से अच्छी दोस्ती होने के नाते वो अपनी दोस्ती निभाने में ज़्यादा आगे थे और उनको अपने काम नहीं करना था। तो मैंने बोला ठीक है, अगर आपको काम नहीं करना है तो आप एएमसी की पोस्ट छोड़ दे, आप अपनी अपनी पोस्ट छोड़ दे, हम दूसरे को मौका देंगे। सागर सालुंकी ने भी काम नहीं किया, उनको भी ट्रांसफ़र कर दिया गया। दूसरा है, आप नहीं करेंगे कोई और करेगा, तो हुआ यूँ। मनपा ने मनपा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्हें एक जो है टेम्प्रोरी बेस पे बनाने के लिए लेटर दिया गया है। देखिए, टेम्प्रोरी बेसिस क्या होता है, यानी आपको किसी बाम्बू से या पत्रे से या टेम्प्रेरी आपको जो है वहाँ पर बांधकाम करने के लिए दिया गया, आपको ये नहीं बोला गया कि पक्की बिल्डिंग बनाओ वहाँ पर, और आपको जो है वो कुछ 6x8 का या 8x12 का कुछ उनको बताया गया कि इतना ही बनाना, आप उनसे ज़्यादा बना रहे हो, तो भी ये लोग अतिक्रमण वाले जो है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं ले रहे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक मिनट मैं आपको बता दूँ, देखिए भले से उनको ये परमिशन मिली है कि आप टेम्प्रेरी बेसिस पे वहाँ पर कुछ बनाए, लेकिन जब आप कुछ बनाने जाते हो तो आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है कि मैं यहाँ पर जो है वहाँ पर कुछ मतलब वहाँ पर
खान काम करने जा रहा हूँ, उसके कोई पेपर उनके पास मौजूद नहीं है। तो इसी बात की हमारी लड़ाई थी कि जब इनके पास मौजूद ही नहीं है कोई पेपर, तो ये यहाँ पर ना लॉज बनेगा ना कोई कमर्शियल शॉप बनेगा। जब पेपर हो गए तो हमें क्या एतराज है, हम तो शुरुआत के दिनों से यही बोल रहे ना वर्क ऑर्डर दो, वर्क ऑर्डर दो, वर्क ऑर्डर दो, कोई वर्क ऑर्डर देने के लिए तैयार नहीं है। तो आज हम लोगों ने उनके ऊपर जो है वो हमारी टीम ने, मुस्लिम लीग की टीम जो है वहाँ पर जाकर बैठी थी, एक प्रेशर बनाया गया उनके ऊपर कि भाई ये इलीगल काम जो है हम हमारे मुमरा में होने नहीं देंगे, हमारे बच्चे ऑलरेडी खराब हो रहे हैं। उनका जो जो बना रहे हैं उनका कहना हितेश नाम है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई लॉज नहीं बनने वाला है, तो हमने यहाँ पर सिर्फ कमर्शियल गाला बनाने का बोर्ड भी उन्होंने लगा दिया वहाँ पर। तो आप बनाओ ना, हमने कब मना किया, लेकिन परमिशन लो, टीएमसी की जगह है। हाँ, ये जो चीज होती है ना, जोर से आज सुबह तक वहाँ पे कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ था, इन लोगों ने अचानक प्लान बनाया कि हम जो है वो लॉज की जगह गाला शुरू कर देते हैं। और आज सुबह 10 से 10:30 के टाइम पे वो बोर्ड लगाया गया, 10 बजे मैं ऐसे गया तो वहाँ कोई बोर्ड वगैरह वहाँ पर मौजूद नहीं था। यानी मैं आपको बता दूं, कल एक फेसबुक लाइव मैंने लिया जिसके अंदर हम लोगों ने ये बताया कि हम यहाँ पर आके ऐसे ऐसे करेंगे और इनसे बात करेंगे इस चीज़ में। तो सुबह सुबह फौरन तत्कालीन रूप में लोगों ने वहाँ पर टीएमसी अप्रूव, अगर तुमने टीएमसी अप्रूव करवाया गाला तो लाओ ना डॉक्यूमेंट बताओ। हमने क्या मांगा, सिर्फ डॉक्यूमेंट मांगा, आप तो नहीं। इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाया है आप पर कि आप जो है उनसे 25,000 रुपये की खंडनी मांग रहे हैं। आपने पूछा था उनसे, वो बोल रहे आपने सबूत मांगा उनसे, सबूत हमने ये बात उनसे पूछी है तो सबूत दिया, सबूत नहीं होंगे तो सबूत नहीं तो फिर क्या है। उन्होंने शिकायत भी किया है, लेटर दिया है पुलिस प्रशासन। हाँ तो करने दो ना, जब सबूत रहेगा कानून जो है वो सबूत में, और हमें हमारी टीम पर हमारे लोग, क्योंकि हमारी एक ऐसी पार्टी है, हमारे बन्नात वाला साहब ने बोला है ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि इसके दामन से फरिश्ते वजू करते, तो हमारी पार्टी पे हम कोई दाग लगने देंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। और हमारे ऊपर ऐसे लोग जो है ना बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे जो हमारे पर के, अभी ये तो छोटे मोटे लोग हैं, अब यहाँ के एमएलए ने हम पर जो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया तो ये लोग कौन है। हम ऐसे ही चीज़ों पर ये नहीं करते, क्योंकि हमको मालूम है हम साफ हैं, हमने कभी ये सब चीज़ें की नहीं। अधिकारी ने आपसे क्या कहा है, कल आपको बुलाया है, किस तरह की कार्रवाई का आश्वासन आपको दिया, ये लेटर क्या है? ये लेटर जो है, एक लेटर जो है ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है उनको भी एक दिया है, एक हमको दिया है, मोहन भगत है उनको दिया है और एक हमको दिया है। और उनको बोला गया कि कल 12 बजे जो पेपर्स, क्योंकि हमने पेपर्स की मांग की कि अगर तुम्हारे पास है, वो लोग बोल रहे हैं हमने टाउन प्लानिंग में हमने दिया है, हमारे पास पेपर है, हम लोग अप्रूव किया है ना, तो पेपर ला के दिखाओ। तो कल 12 बजे उनको पेपर के साथ बुलाया गया है, और अगर पेपर उन्होंने नहीं दिखाया तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी ये बोला गया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज सबसे जो गलत बात जो आज पूरे दिन में हुई, जो नहीं होनी चाहिए थी, हमारे पत्रकार भाई, ये बहुत बुरी बात है और आइंदा से इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाए, ये पत्रकार भाई हमारे एक बुलाने पर हर जगह मौजूद हो जाते हैं, हर जगह आते हैं, पूरे मुमरा की न्यूज़ कवर करते हैं, और आज हमारे ही पत्रकार भाई पर जो ये उनको मारा गया, उनको पीटा गया, उनके कपड़े फाड़े गए, तो बुरी तरीके से उनको मारा गया। और दूसरी बात, हमारी पत्रकार बहनें, अभी हम लोगों ने 76 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मनाया, हमारी बहनों को रस्ते में चलते चलते ये बोला गया है कि तू अगर यहाँ से जाएगी तुझे काट कर फेंक देंगे, तो पता भी नहीं चलेगा कि तू कहाँ पर मिलेगी। ये तरीका है बोलने का, ये लड़कियां सेफ नहीं है, मतलब अभी भी हमारे आज़ादी के इतने साल होने के बाद भी हम लड़कियां तो सेफ ही नहीं है। पत्रकार पर और जो महिला पत्रकार है उसके साथ जो व्यवहार हुआ उसके लिए आप लोग डीसीपी ऑफिस गए थे मुलाकात की, डीसी सर भी मुमरा पुलिस बनाए थे, क्या उन्होंने कहा है, किस तरह की कार्रवाई? देखिए, मैं हम लोग पूरे पत्रकार भाइयों और बहनों के साथ हम लोग पूरी मुस्लिम लीग की टीम जो है वहाँ पर डीसीपी के पास गई थी। उन्होंने हमने सिर्फ जब उनको हालात बताए कि क्या हुआ, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ बोला आधे घंटे में तुमको मुमरा स्टेशन मिल रहा, मुमरा पुलिस स्टेशन मिल रहा हूँ। वो खुद यहाँ पर आए, अभी हम लोगों ने उनको यह बताया कि ये जो पत्रकारों पर जो वायलेशन होते हैं तो उसके ऊपर एक एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो उनके ऊपर गुनाह दाखिल हो, और वो गुनाह दाखिल करवा के रहेंगे, और अगर नहीं करवाएंगे तो यहाँ पर मेरे सारे पत्रकार भाई मौजूद है, मुस्लिम लीग की टीम मौजूद है, पत्रकार वो गुनाह तो दाखिल होगा वरना हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। इसके अलावा महिला पत्रकार जो उसके ऊपर क्या क्या जिस तरह से उसको धमकी दी गई है? नहीं, वो भी हमारी बहन है, बिल्कुल उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी, अगर उनके ऊपर जो जो चार्जेस लगे इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बात करेंगे हम लोग उनसे। वहीं हितेश भगत का कहना है कि उनके द्वारा किया जा रहा ये बांध काम लीगल है, मनपा से सब पत्र व्यवहार किया गया है, और लॉज बनाने की बात गलत है, यहाँ पर दुकानें बनाई जा रही है, मेरे सारे पेपर इसके मौजूद है। हितेश भगत ने क्या जानकारी दी है इस बांध काम को लेकर, आपको सुनाते हैं। काम
असू द्या, आम्ही सांगतो आपण पत्र दिलं आहे तुम्हाला त्याप्रमाणे तुम्ही अजिबात आज लावायचं नाही साहेबांच्या बोर्ड आम्हाला काढायचं. मला नाही ना, मला एवढंच बोलायचं आहे की इंडियन मुस्लिम लीगचे जे लोक होते त्यांनी मागायला का आलेले त्यांचं बघू घ्या. मला त्याची विषय नाही पण मला ते माझं काम नाहीये, माझं काम नाहीये. पत्रकारों के साथ मारा मारी हाथ उठाने हमने नहीं मारा, हमने मारा ही नहीं उसको. लेकिन इस साइड पे हुआ ना सर, यहाँ पर उसको मारा ही नहीं हमने. तो बाकी का जो है आप देख लीजिए. तो कौन कौन मारा फिर, कौन मारा उनसे पूछिए ना किसने मारा उसको. यहीं पे कुछ लोग थे ना. आप ही का नाम ले रहे हो. तो मेरा नाम किधर, मैं मारा ही नहीं. मैंने उनको बोला पेपर है मेरे पास, उन्होंने गलत जवाब मेरे को दे दिया. नहीं वो कलवा हॉस्पिटल गए मेडिकल कराने, तो जरूर कुछ हुआ ना उनके साथ मारा. उनको बुलाओ, उनको सामने में खड़ा रहता हूँ ना. उनको उन्होंने क्या बोला, हितेश भाई, हितेश भाई, उनका ऐसा कहना है कि वो आए थे यहाँ पर वीडियो शूटिंग किए और उसी दौरान आप लोगों से बहसबाजी हुई, उसके बाद मारा गया. आप किसने मारा ये नाम नहीं पूछिए. आप पूछिए किसने मारा. आप और उनसे बोलो भी क्या उन्होंने क्या बात किया है. उन्होंने इतना बोला है कि तुम इसको हम तोड़ के रहेंगे. कैसे तोड़ेंगे, हमारे पास 20 साल से टैक्स भर रहे इस चीज का. अच्छा, इसका ये आपने टीएमसी अप्रोवेड बोर्ड लगाया है, ये टीएमसी का प्रोजेक्ट है क्या? ये टीएमसी अप्रूव्ड है. इसका मेरे पास टैक्स पावती है. अब बताइए ना, इतना मसला होने के बाद बता रहे हैं सर आप. मैंने बताया ये मेरे पास बताइए ना, सब ठीक है. ये मैंने इंडियन मुस्लिम लीग के अगेंस्ट पहले वो शॉट ले लेते निकाल ऑलरेडी कंप्लेंट करके रखा है. अच्छा, इस पे कार्रवाई हम चाहते हैं कि FIR ले उनके अगेंस्ट. अभी तक उनके बात हुई नहीं. क्या किसके नाम पे FIR कराई आपने? ये जो है जहांगीर अहमद, फरज शेख, ये पूरी मुस्लिम लीग पार्टी है. इन्होंने मेरे पास आए थे, इनके 3-4 जन आए थे जी. 25,000 रुपये चाहिए, मैं कैसे दूँ? मेरा हर एक इंच लीगल काम है सर. उसका आपके पास कोई एविडेंस है? आपके पास जो है कोई एविडेंस है? 25,000 रुपये जो मांगा उसका कुछ है एविडेंस? 3 लोग उनके थे. कौन कौन थे? तब से ये लोग मेरे पीछे पड़े और मैं इनको 1 रुपया नहीं देने वाला. तो उसका गुस्सा आपने इन पे निकाला? मैंने निकाला नहीं, वो पीछे पड़े. मांग रहे हो उसको मारा है, उसका एविडेंस है आपके पास? हम लोग ने उनको मारा है. ये टैक्स है, ये टैक्स वेरीफाई करेंगे ना. ये टैक्स पावती आप सबको मैं PDF भी दे दूंगा, मेरे पास सब है. आप उनके यानी उनसे हम लोग से आप एविडेंस मांग रहे हैं? एक मिनट, एक मिनट सर, क्या आप? नहीं नहीं, एक मिनट सर, सुन तो लीजिए क्या बोल रहे हो. आपका नाम क्या है? संतोष, संतोष गोयल इनका नाम. और वो यहाँ पर शूटिंग करने आए थे, उसी दौरान मारपीट हुई है, तो वही हम पूछ रहे हैं किसने मारा. आपके पास एविडेंस है क्या? आपके पास एविडेंस है क्या? वो इधर क्यों आया था? मारपीट हुआ, आपके कपड़े फटे थे, वो इधर क्यों आया था? विजुअल नहीं, वो बोला तुम्हारे अभी कैसे तोड़ता हूँ ना, दिखाता हूँ. अरे लेकिन वो क्या कोई अधिकारी है जो तोड़ देगा? तो मैं वही उनको बोल रहा हूँ. मैंने बोला ID कार्ड दे दो आपका, बस कुछ नहीं बोला, नहीं देने का मेरे को. नहीं नहीं अरे मैडम, आप नहीं थे तो कुछ बोलिए मत. मनपा हितेश भाई, मनपा की तरफ से ये कहा, एक मिनट रुकिए, मनपा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ठीक है, ठीक है, मनपा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आपको जो यहाँ पर पहले थे सागर सालन के, उन्होंने टेम्प्रोरी बेस पर ऐसा बनाने के लिए एक लेटर दिया है, उसी के बेस पे आप बना रहे हैं. पहले अपना जो था रोड वाइंडिंग में तोड़ा गया था, उसके लिए इतने सालों के बाद भी हम टैक्स भरते आ रहे थे, उसके लिए सालों के साथ में हमको परमिशन दिया. एक मिनट, एक कोई एक बात, एक मिनट बोलने दो, बोलने दो, ठीक, ओके ओके, बोलो बोलो. सुनो, बोलो क्या आप एक एक करके क्वेश्चन. पर नहीं सब है, हम लोग सब इधर ही है, हम लीगल काम करते हैं और लीगल काम ही करेंगे. मेरी प्रॉपर्टी आप लीगल बोल रहे हो, जैसे सागर सालुंगे साहब ने कहा था टेम्प्रोरी बनाने का, उस बेस पे आप बना रहे हैं. वही तो बता रहे, वही बता रहे. और उसकी परमिशन की कॉपीज भी है, मैंने सब डिपार्टमेंट में दे के रखा है. मैंने फरज शेख उनके इंडियन मुस्लिम लीग को भी मैंने कॉपी दी है, ये देखिए, सबको दे के रखा है मैंने. चाहे तो उसकी PDF में आपको भेजता हूँ सबके मोबाइल पे. वही दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, मगर मनपा अधिकारियों ने दोनों तरफ के लोगों को दस्तावेज लेकर कल बुलाया है. और मनपा प्रशासन का कहना है कि अगर बांध काम को लेकर जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही पाए गए तो कार्रवाई नहीं की जाएगी, अगर जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही नहीं है तो फिर कार्रवाई की जाएगी.